जीवन सबको एक ही बार मिलता है भाई, बार बार नहीं मिलता। और मैं अक्सर हमेशा ये बात कहता हूँ आपको कि जो भी आपको काम मिला बस उसको ईमानदारी से तसल्ली से कर दो यार, वही सच्ची देशभक्ति, वही सच्चा कर्म है। जीवन सफल भी वही है। जीवन में खुश वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन है, धान्य है और बिल्कुल तंदुरुस्त है, सारी तरीके से धनी धन भरा है, खुश नहीं है वो। खुश वो है जो व्यस्त है, और व्यस्तता, उसकी व्यस्तता जो हो वो अच्छे कामों में, यानी जो उसको कर्म मिला उसमें। मतलब अगर आपको पढ़ने का काम मिला है तो आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो, मुझे पढ़ाने का काम मिला है तो मैं पढ़ाने में व्यस्त रहूँ। मैं अस्त व्यस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, अस्त व्यस्त जीवन में कभी नहीं रहना चाहिए, उससे खुशी नहीं मिलती। व्यस्त होने से खुशी मिलती है, अस्त व्यस्त होने से खुशी नहीं मिलती, ध्यान रखना है ना। अस्त व्यस्त मतलब मिसमैनेज कर लेना अपने आप को, मिसमैनेज मत करिए आप भी अपने आप को। तो टेंशन मत लो भाई, जीवन एक ही बार मिलना है, जो कर सकते हो इसी जीवन में करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भी मत भागिए, और बहुत मोह माया छोड़ के भी दूर मत जाइए, क्योंकि ये मोह और माया ही तो है जो आपको इस जीवन में जोड़े रखती है। वरना तो भाई साहब पूरी दुनिया ऋषिकेश के जंगलों में पहाड़ों में बैठी होती है। ये मोह माया भी जरूरी है, हैं? और ये भी तय है कि अगर आप कुछ साथ लेके जाएंगे तो आपके कर्म ही हैं। बाकी आपको तो 14वें दिन आपका बाप याद नहीं रखेगा। मैंने इतने आदमी देखे हैं, इतने जरूरी जरूरी आदमी देखे हैं किसी परिवार के, और वो बेचारे गुजर जाते हैं और 14-15 दिन के बाद उन परिवार की जीवन सामान्य हो जाता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का, ऐसा महसूस भी नहीं होता उनसे बात करके कि उनका कोई चला गया। और ऐसा ज़रूरी भी है, फ़र्क होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन रुकने का नाम तो है ही नहीं, जीवन तो चलने का नाम है। तो आप ये मानिए कि हम और आप अपने कर्म के लिए आए हैं, वो कर्म कर दें, बाकी घंटा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जीवन की, समझ रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला। आपके कर्म कैसे हैं वो याद रखे जाने है ना। अगर आज हम किसी डिपार्टमेंट में RTI लगा के कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं तो यार हम किसी के कर्म की मेहनत ही तो खा रहे हैं। वो कर्म किसी व्यक्ति ने किया होगा, चाहे वो केजरीवाल हो या उसकी टीम थी जिसने RTI एक्ट लागू करवाया, मतलब RTI का ड्राफ्ट तैयार करवाया। तो ऐसे ही परेशान मत हो, मस्त रहो, कर्म करते रहो, बढ़िया काम करते रहो। आइए